लगता है कि 20 के घटना में वहाँ पर घटना घटी है शराब पीने का। आने के बाद मालूम हुआ कि दो जन डेथ कर गए मेडिकल जाते जाते और तीन जन भर्ती हैं। शराब बंद नहीं हुई तो शराब बंद किया गया क्यों? आखिर शराब बिकती है कैसे? जहरीला शराब पीने से मौत हुआ। मेरा लड़का है अमर पासवान। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में लाख दावों और लाख कोशिशों के बावजूद भी जहरीली शराब से मौत का मामला नहीं थम रहा है। बात अगर हम गया जिले की करें तो यहां एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से दो लोगों की जहां जान गई है, तो वहीं सात लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में झूल रहे हैं। आखिर बिहार में ऐसे शराब बनाए जा रहे हैं जिसे पीकर लोग मर रहे हैं, प्रशासन की नजर जाती है या नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल लोगों का यही है। दरअसल गया जिले में आमस प्रखंड के पथरा गांव में जहरीली शराब पीने के बाद संदिग्ध स्थिति में दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि सात लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में हैं। दो की हालत खराब बताई जाती है, जिनका इलाज भी मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। शराब पीने से मौत होने वाले 30 वर्षीय अमर पासवान, 45 वर्षीय अर्जुन पासवान दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। हालांकि जिसकी तबीयत बिगड़ी है उसमें अजय पासवान, बसंत यादव, लालदेव यादव, सुमन पासवान, हरेंद्र पासवान, कैलाश यादव और संजय यादव शामिल है। देखिए ये सब कुछ कैसे हुआ, कितनी सच्चाई है इस बात में कि जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई है या नहीं हुई है, वहां कैसे सब कुछ हुआ, सबसे पहले आप वहां के लोगों से सुनिए और जो जिसकी मृत्यु हुई है उस शख्स के पिता से भी सुनिए क्या कह रहे हैं। चलते जो मौत जो हो रही है, जो निर्दोष लोगों का मौत हो रहा है, वो बहुत निंदनीय है। और जो ये अभी हमको सूचना मिला है कि तीन आदमी तो भर्ते हैं, कुछ आमस में भी हॉस्पिटल में भर्ते हैं और कुछ लोग डर के मारे शराब से वो बचने के लिए कहीं कहीं प्राइवेट स्थानों में भी जा करके, कम से कम लगता है कि 20 के घटना में वहाँ पर घटना घटी है शराब पीने का। छेप पूर्वक आ गए, आने के बाद आमस गाँव में उतरे, बच्ची को घर में उतार करके फिर ये लोग घूमने टहलने गए। जाने के बाद ये लोग आमस के करीब पथरा गाँव में ये शराब बिक रहा था, वहाँ जाकर के ये लोग चारों पांचों आदमी शराब पीन। शराब पीने के बाद हमको करीब 9 बजे फ़ोन हुआ कि भैया लोग आए हैं, से सोए हुए हैं, उठे नहीं अभी तक। तो हमने बोला कहीं गए थे घूमने, तो हाँ गए थे, से मोड़ में जाकर शराब पिए हैं, आमस मोड़ में, पत्रे गांव के आमस मोड़ में। तो हम बोला कि से ठीक है, वो लोग का नशा उसा आ गया है, से हॉस्पिटलाइज ले जाओ, जब नहीं उठ रहे हैं तो हॉस्पिटल ले जाओ। इसके बाद फिर जो है से हमको 4 बजे भोर में, रात्रि के माने उसी दिन सोमवार के 4 बजे भोर में हमको खबर हुआ कि भैया डेथ कर गए। तो हम लोग वहाँ से आए, आने के बाद मालूम हुआ कि दो जन डेथ कर गए मेडिकल जाते जाते और तीन जन भर्ती हैं, समझ गए नहीं। तो ये जहरीली शराब के कारण ऐसी हो रही है घटना, और इस तरह से अगर शराब बंदी का आह्वान किया है नीतीश जी ने, लेकिन शराब आज तक बंद नहीं हुई। खास तौर पर मेरा कहना यह है कि शराब बंद नहीं हुई तो शराब बंद किया गया क्यों? आखिर शराब बिकती है कैसे? जब पुलिस चाहती तो शराब बिकती नहीं, नीतीश जी चाहते तो शराब बिकती नहीं। तो पुलिस की ढिलाई से शराब बंदी हुआ नहीं, बंदी का केवल नाम है। जहरीला शराब पीने से मौत हुआ। मेरा लड़का है अमर पासवान, मेरा नाम है रघुवीर पासवान, और एक मेरा भाई है अर्जुन पासवान, दोनों का मौत हो गया। तीन जो है अभी मेडिकल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कहाँ पिए थे? ये गांव में पिए थे। कब हुआ? कभी पिए थे? कल शाम को। क्या क्या हुआ पीने के बाद? जो है कि आकर के सो गया, एक बैग जो है कि 12 बज रहा था रात, जो है कि इन लोग के दर्द हुआ तो ले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जो है रेफर हो गया, रेफर से यहाँ एमएस में आते आते जो है दोनों का देहांत हो गया। कैसे, कितने लोगों ने शराब पिया था? शराब सर जो है कि दो आदमी तो डेट कर गए, तीन आदमी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाकी जो है पिए होंगे तो उनको तो नहीं बता सकते। लगातार वहाँ लोग शराब पीते ही हैं ना? हाँ सर, लगातार सर, ये ग्राम पथरा में पीता है। कौन लोग बेचते हैं वहाँ? जो है कि ज़्यादा भी बेचते हैं, भुइयन भी बेचते हैं, कई घर जो है कि बेचते हैं। पुलिस जाती नहीं? पुलिस जाता तो शराब बिकता ही नहीं सर, क्योंकि बगल में है थाना। तो सुना आपने, अब मुझे लगता है आप लोगों ने पूरा मामला समझ लिया होगा, क्यों गया में इस तरह की मौत की बात सामने आई, क्यों जहरीली शराब से बार बार मौत हो रही है। बिहार के गया जिले की ही बात नहीं है, तमाम जिलों की अगर हम बात कर देते हैं तो रह रहकर खबरें उठ ही जाती है। बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अनेकों जिले ऐसे हैं जहां पर रह रहकर जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आता है। सवाल वही है कि आखिर ये कब तक।
बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।